सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। किसी को नहीं बताया था, मैं नॉट इवन मेरे दोस्तों को, बस पापा को बोला था मैंने जा रहा हूँ, उन्होंने मम्मा पापा को बताया तो ऑफकोर्स खुश थे, डर गए थे एक्चुअली वो तो, कि अरे यहाँ पे तो बहुत लड़ाइयाँ होती है, इधर मारा पिटी होती है, या फिर तू बहुत इनोसेंट है, डर जाएगा, बच्चा है 22 साल का है, वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आते, क्योंकि ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे थे कि भाई ये लोग आएंगे, ये लोग आएंगे, ये लोग जी, तो वो थोड़ा डर गए थे। मैं बाहर आया तो मुझे पता नहीं कि पापा ने भी इंटरव्यू दिए, बट वो जब मैंने मीम देखा तो मैंने अपना क्या बोला क्या है, तो फिर मैंने जाके वो पूरा इंटरव्यू देखा। मैंने टॉप 3 में नाम लिया था, मैंने ये बोला था कि ईशा, अंकिता एंड अकॉर्डिंग टू, बाहर आके मैंने जिस तरीके का अभिषेक का देखा हाइप, उसलिए मैंने अभिषेक का नाम लिया, बट मैं चाहता हूँ ईशा, अंकिता एंड मनारा को ही टॉप 3 में देखना। हेलो समाज, फर्स्टली वेलकम टू इंडिया फोरम्स। बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू, हम जानना चाहेंगे इन ऑल टोटली, आप आपकी जर्नी को देख के कितने ज़्यादा खुश हैं? खुश तो बहुत हूँ, फैंस वगैरह ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लोगों ने, मतलब मैं तो लोग ही बोलूँगा, फैमिलीज वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं खुद ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, रिग्रेट नहीं है मुझे कोई भी बाहर आते, मतलब कि यार ये चीज़ छूट गई थी, कुछ 1% रह गया था समझ जो तू नहीं कर पाया, वो नहीं है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड। वेरी वेल समर, याद है आपको वो पहला दिन जब आपने आपके पेरेंट्स को ये न्यूज ब्रेक की थी दैट यू आर गोइंग टू एंटर द बिग बॉस हाउस, उनका रिएक्शन क्या था? एक दिन पहले ही मैंने बोला था मॉम को और पापा को और भाई को कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ, तो वो भी बोले अरे एक दिन में कैसे, क्या होगा कैसे, मतलब बस इतना कॉल किया मैंने और किसी को नहीं बताया था, मैं नॉट इवन मेरे दोस्तों को, बस पापा को बोला था मैंने जा रहा हूँ, उन्होंने मम्मा पापा को बताया तो ऑफकोर्स खुश थे, डर गए थे एक्चुअली वो तो, कि अरे यहाँ पे तो बहुत लड़ाइयाँ होती है, इधर मारा पिटी होती है, या फिर तू बहुत इनोसेंट है, डर जाएगा, बच्चा है 22 साल का है, वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग आते, क्योंकि ऑलरेडी कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे थे कि भाई ये लोग आएंगे, ये लोग आएंगे, ये लोग जी, तो वो थोड़ा डर गए थे, और फिर 2 हफ्ता देख भी गया था उन्होंने, वो बोल रहे थे अरे अभिषेक ऐसा है, वो सब है, या फिर और भी लोग थे, लड़कों के नाम ले रहे थे कि ये अरुण तेल कैसे बड़े बड़े दिख रहे थे, बोले तू डर जाएगा तो इनोसेंट लड़का ऐसा मत कर, मत जा, पर मैंने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस चले जाऊँगा, हमारे मचा दूँगा। और जब अभी आप बाहर आए तब उनका रिएक्शन क्या था? तब तो ऑफ कोर्स बोलते ना प्रोसेस का पार्ट कोई नहीं बनना चाहता, एवरीवन वांट्स रिजल्ट्स, तो पेरेंट्स का भी वैसे ही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी बच्चा, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा स्ट्रगल करे या इधर उधर कुछ सुनने को मिले। बात की जाए पेरेंट्स की, तो जब आपके डैड शो में एंटर हुए, ही वाज एवरीवनस फेवरेट, अंकल की इतनी सारी न्यूज, इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मीम्स बने हैं, जी हाँ, वो एक मीम की अगर बात करें तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो तो बचपन से चलता आ रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पापा से आपने पूछा कि अरे ऐसे क्या बोल के आ गए? मैं बाहर आया तो मुझे पता नहीं कि पापा ने भी इंटरव्यू दिए, बट वो जब मैंने मीम देखा तो मैंने अपना क्या बोला क्या है, तो फिर मैंने जाके वो पूरा इंटरव्यू देखा, मतलब वो मेनली क्लिप, तो उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब बचपन से ऐसा है, मतलब मेरा जो नेचर है, मैं शरारती हूँ, इधर उधर हरकतें करता हूँ, स्कूल वगैरह भी, मतलब कंप्लेंट वगैरह रोज आती रहती थी, रस्टिगेट भी कर दिया था एक बार, तो मतलब सॉरी वो जो एकदम टेम्प्ररी वाला होता है ना, वो भी कर दिया था, तो होता रहता था मेरा स्टार्टिंग से, क्रिकेट फील्ड पर होता रहता था, मस्ती मजाक, तो मैं ऐसा हूँ, मेरा नेचर बता रहा था, वो मीम अलग बन गया, मतलब बात की अरे बचपन से ही, तो वो सामने वाला भी बोलता है बचपन से थप्पड़ता रहा, थप्पड़ थोड़ी खाते समर, जब घर में फैमिली वीक हुआ, तब जब ईशा के डैड की एंट्री हुई तो हमने देखा कि आपने कहा कि यार अंकल ऐसे नहीं है, मैं अंकल को जानता हूँ, मैं बाहर बैठी हूँ, चिल करता हूँ, तो व्हाई डिड ही बिहेव सो इनडिफरेंटली विद यू? हाँ, अंकल के साथ मैं बाहर भी मिला हूँ, बॉम्बे में भी, इनफैक्ट लास्ट में बिग बॉस के आने के पहले, ईशा के जाने के पहले भी मिला था, तो हम साथ में घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बट उनको ये नहीं पता था कि मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ, वो घर में जाके पता चला, तो ऑफकोर्स थोड़ा नाराज़ होंगे, और ईशा ने भी नहीं पता, ईशा से भी नाराज़ होगी, मुझसे तो होंगी होंगी, अरे साथ में घूम रहा था अभी तो, फिर पता चल गया। हाँ, आंटी को पता था वो अलग बात है, बट उन्होंने भी शायद नहीं बताया होगा किसी चीज़ से, रीज़न मुझे नहीं पता। ईशा के पेरेंट्स से कोई बात हुई आपकी बाहर आने के बाद? नहीं, मेरी अभी नहीं हुई बिल्कुल भी, मैं मेरे मम्मी पापा से, भाई से नहीं मिला हूँ, इंदौर में, मैं बॉम्बे में हूँ, तो मैं पहले सबसे पहले वहाँ जाऊँगा, उसके बाद ऑफ कोर्स मैं मिलूंगा उनसे। कोई प्लान्स है उनसे मिलने के अभी हाल ही में? अभी तो सबसे पहले मैं घर पे जाऊंगा, मतलब भाई से, मेरे डॉग से और मम्मी पापा से मिलूंगा। वेल, आपके कल इलेक्शन इंटरव्यूज के बाद काफी सारे फैंस ने एक तकरार किया कि आपने टॉप 3 में आपकी दोस्त मनारा का नाम ले लिया है, इसकी कोई खास वजह? मैंने टॉप 3 में नाम लिया था, मैंने ये बोला था कि ईशा, अंकिता एंड अकॉर्डिंग टू, बाहर आके मैंने जिस तरीके का अभिषेक का देखा हाइप, उसलिए मैंने अभिषेक का नाम लिया, बट मैं चाहता हूँ ईशा, अंकिता एंड मनारा को भी टॉप 3 में देखना।